अपने जीवन के सुनहरे पलों को यादगार बनाइए श्री जी स्टूडियो के साथ। डॉक्टर साहब, ये जो विधान परिषद का गठन हो रहा है, इसमें अब भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, तो क्या आपने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया? भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी पर फर्क है। मैंने इसके हमारे वचन पत्र में विधान परिषद गठन का वायदा है और मैंने इस संबंध में माननीय शिवराज सिंह जी से और माननीय गोपाल भार्गव जी से, दोनों नेताओं से प्रतिपक्ष को विश्वास में लेते हुए चर्चा की थी। दोनों ने इस बारे में सहमति दी थी कि मैं सब पूरी तरह से इसमें सहमत हूँ। केवल हम अपने विधानसभा में पारित करने के पहले हमें अपने हाईकमान से परमिशन लेना है। बाकी के प्रस्ताव अच्छा है और आज शिवराज सिंह विरोध कर रहे हैं, उनकी कथनी करनी अप्रमाणित होती है। जिस प्रकार की उन्होंने नर्मदा में नदी के सामने खड़े होकर विश्वास घोषणा की थी कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, लेकिन उसके बाद शादी कर ली, तो जिस प्रदेश की जनता उनकी कथनी करनी में और इस जैसे शिवराज सिंह जैसे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इतने गरमाहीन बात करना उनको शोभा नहीं देता। मैं उनको सलाह देता हूँ कि इस प्रकार की आप कथनी करने में भेद न करें, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें। जो आपने गंभीर से कहा था उसी लिए मैंने इस कदम को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर साहब, कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें एक बात निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1956 में, तभी उसमें ये प्रावधान था कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद बनाई जा सकती है, यानी संविधान की अनुमति है, तो अब विधानसभा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पूरी तरह से मध्य प्रदेश के गठन के समय से ये प्रावधान है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन का विधानसभा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल मंत्रिमंडल परिषद पास करके प्रस्ताव भेजेगी केंद्र सरकार को और राष्ट्रपति के अनुमोदन से मध्य प्रदेश में विधानसभा का गठन हो जाएगा और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और इसलिए आवश्यकता है मध्य प्रदेश में विधान परिषद कि जहाँ अनुसूचित जाति अंश छठी अनुसूची लागू है आदिवासी जिलों में, वहाँ पर 45 से 50% आबादी अनुसूचित जाति की, पिछड़े वर्ग की और सामान्य वर्ग की है, इन लोगों को प्रतिनिधि मिलता, क्योंकि अनुसूची लागू होने के बाद छठी के बाद सभी पद, विधायक का पद, लोकसभा का और सदस्य का पद और जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका सभी आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। इसलिए ऐसी जगह उनका प्रतिनिधि भेजने के लिए विधानसभा में इसका गठन मध्य प्रदेश में बहुत जरूरी है। अंतिम प्रश्न ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि इससे सरकार पर बहुत बड़ा खर्चा पड़ेगा, भजन पड़ेगा, कितना बजट आएगा सालाना? मध्य प्रदेश में बहुत बजट नहीं है, केवल 32-33 करोड़ का पूरा खर्चा। मैं विधायकों भी सुने जाएंगे, विधान परिषद सदस्य उनका, विधानसभा के संचालन का, विधानसभा के कर्मचारियों का, सबका कुल खर्चा मिला के एक वर्ष में 32-33 करोड़ रुपये से आने वाला है, इससे अधिक खर्चा नहीं आएगा। विधान परिषद का पूर्व से ही हमारे विधान भवन बना हुआ है, इसलिए उसका खर्चा भी हमें नहीं करना है, पूर्व से ही उसका बना हुआ है। यूपीएससी, पीएससी एवं वनडे परीक्षाओं के लिए अनुभवी शिक्षकों के शानदार मार्गदर्शन में सफलता का दूसरा नाम रुद्रा आईएएस एकेडमी, एमपी नगर भोपाल, इंद्रपुरी भोपाल एवं दमोह में भी। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9098200428। शुद्ध जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित रुद्राक्ष संपूर्ण हवन सामग्री एक बार अवश्य प्रयोग करें। हमारे अन्य उत्पादन अगरबत्ती, पूजन सामग्री, टेस्टी सॉल्ट, पापड़ सभी क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करना है। संपर्क करें 09575663743700। अपने जीवन के सुनहरे पलों को यादगार बनाइए श्री जी स्टूडियो के साथ। वेडिंग फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोशूट, huge LED screens, drone, large drone, Shriji Studio and LED, Sanjoy Sunehri Yade। देश के पहले बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पाएं बुंदेली में समाचार और वीडियो मजेदार।